नमस्कार साथियों, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो नवंबर 2021 में सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मई 2022 या नवंबर 2022 के लिए सीए फाउंडेशन की प्लानिंग कर रहे हैं, या उसके आगे की सीए फाउंडेशन की कोई डेट में वो सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो टेंथ पास हो चुके हैं। आइदर वो इलेवेंथ में है, या तो इलेवेंथ में है या इलेवेंथ पास करके ट्वेल्थ में जा चुके हैं। आज के इस वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूं कि कौन कौन से पेपर्स हैं। पहला जो एग्जामिनेशन का पेपर है सीए फाउंडेशन के सिलेबस में, वो है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। ये 100 नंबर का होता है। जो बच्चे 11th और 12th की मेन कॉमर्स की स्ट्रीम में हैं, उनके लिए ये पेपर 11th और 12th का कॉमर्स का अकाउंटिंग का अगर वो अच्छे से स्टडी करते हैं तो ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। मैं पहले आपको ब्रीफ में ये चारों पेपर बता देता हूँ। दूसरा पेपर है बिजनेस लॉज एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। तीन चीज़ें हैं इसमें। बिजनेस लॉज, कौन कौन से लॉज हैं मेनली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, पार्टनरशिप एक्ट 1932 और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008। ये एक नया कानून 2008 में आया है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और कंपनीज एक्ट के कुछ प्रावधान, प्रिलिमिनरी नॉलेज ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये 60 नंबर का पेपर होता है जिसमें ये पांच प्रकार के कानून हैं। दूसरा पार्ट इस पेपर का है 40 नंबर का। अब आप बताइए, सेंटेंस, वोकैबुलरी, पैसेज, नोट मेकिंग, राइटिंग स्किल, जनरल इंग्लिश के जो आजकल इंग्लिश मीडियम के बच्चे इतने एक्सपर्ट होते हैं, उनकी सेंटेंस, वोकैबुलरी, पैसेज, नोट मेकिंग, राइटिंग स्किल वैसे ही बहुत अच्छी होती है। तो ये 40 नंबर का पेपर है। पहला पेपर प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा पेपर 100 नंबर का बिजनेस लॉज एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस विथ रिपोर्टिंग। तीसरा पेपर है बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। मैथ्स इसमें 40 नंबर का होता है, स्टैटिस्टिक्स 40 नंबर का होता है और लॉजिकल रीजनिंग 20 नंबर का होता है। ये तीसरा पेपर। चौथा पेपर है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड नॉलेज, कमर्शियल नॉलेज, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। अब इसमें इकोनॉमिक्स 60 नंबर का पेपर होता है और कमर्शियल नॉलेज, व्यापार के संबंध में कुछ बातें हैं, वो 40 नंबर का पेपर होता है। इस प्रकार से ये 400 नंबर के, 100-100 नंबर के चार पेपर हैं और 100-100 नंबर के चार पेपर। इसमें आपको मिनिमम हर सब्जेक्ट में 40 नंबर तो लाना ही लाना है अगर आपको उस सब्जेक्ट में पास होना है। और इसके अलावा आपको कम से कम 50% यानी 400 में से आपको 200 नंबर पासिंग मार्क्स चाहिए, मिनिमम 40 और एग्रीगेट टोटल 50% आपका बनना चाहिए। अब हम बात करें किस तरीके से इसको प्लान किया जा सकता है, करना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। मेरे ऑफिस में एक बच्चा आया, 12th का उसका रिजल्ट आ चुका था। उसके बाद उसने प्लान किया कि वो सीए करना चाहता है। एक गरीब परिवार का बच्चा था, इससे संबंधित एक वीडियो भी मैंने डाला हुआ है। मैंने कहा, बेटा कितने मार्क्स आए हैं आपके? उसने जवाब दिया अपनी छाती चौड़ी करके, सर 87% मार्क्स, मेरे स्कूल में 3rd रैंक है। मैंने उसे बधाई दी, बिठाला, पानी पिलाया और एक छोटा सा प्रश्न किया कि बेटा What is the difference between accounting and bookkeeping? What is the difference between accounting and
जब बच्चा 10वीं पास करने के बाद पहली बार अकाउंट की बुक हाथ में लेता है तो उसके पहले पेज पर ये दिया हुआ रहता है, व्हाट इज बुक कीपिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग। एक बड़ा बिजनेस है, अगर 1 करोड़ का उसका 2 करोड़ का बिजनेस है तो वो अकाउंटिंग करता है, लेकिन एक पान वाला, एक सब्जी वाला, एक छोटा सा दुकानदार एक छोटी सी डायरी में मेंटेन करता है किससे कितने पैसे लेना है, वो बुक कीपिंग है। वो अपनी सुविधा के अनुसार नोट करके रखता है। लेकिन अगर एक बड़ा बिजनेस है तो उसे बहुत सारी फाइलें मेंटेन करना पड़ता है, परचेज की फाइल, सेल्स की डिटेल, बैंक की डिटेल, बैंक के स्टेटमेंट, पासबुक, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सब बुक कीपिंग है। अगर वो अपने कागजात को सही तरीके से सहेज कर रखता है, मंथवार, डेटवार, डेटवाइज, मंथवाइज, अगर अपने कागजात को संभाल कर रखता है तो वो बुक कीपिंग है। लेकिन उन्हीं कागजात को जब वो अपने टैली या बिजी या किसी अन्य सॉफ्टवेयर में या मैनुअल भी वो अकाउंटिंग करता है तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के आधार पर जब वो डेबिट और क्रेडिट की एंट्री करता है तो वो अकाउंटिंग है। ये छोटी सी बात वो नहीं बता पाया और मैंने उससे कहा कि तुम्हें अकाउंट्स में कितने मार्क्स आए। उसने कहा, सर मुझे अकाउंट्स में 85 मार्क्स आए। मैंने कहा, 85 मार्क्स आए? हाँ। बोले, सर मैंने थ्योरी तो दी नहीं, मैंने प्रैक्टिकल्स किए। मैंने कहा, अच्छी बात है। तो मैंने कहा, थ्योरी तुमने नहीं पढ़ी? बोले, जरूरत ही नहीं है, हमको स्कूल में पढ़ाते ही नहीं थ्योरी। मैंने कहा, क्यों? तो उन्होंने कहा, आपको प्रैक्टिकल्स आते हैं, 80-90 नंबर के आपके प्रैक्टिकल्स आते हैं, थ्योरी आप छोड़ दो, आपके 80 के ऊपर मार्क्स आएंगे, आपके प्रैक्टिकल सही होना चाहिए, थोड़ी बहुत थ्योरी कर लो अपने हिसाब से, तुक्के मार के, और हम 20 क्वेश्चंस में वो थ्योरी के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, हम पढ़ लेते हैं, थ्योरी भी करके आ जाते हैं। लेकिन 87% आने के बाद उसे बेसिक, सबसे पहला रास्ता, पहली लाइन, व्हाट इज बुक कीपिंग, वो नहीं मालूम था। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है दोस्तों। सीए का कोर्स ऐसा नहीं है। अगर आप सीए के कोर्स में एंट्री कर रहे हैं, आपका बच्चा या आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप सीए में एंटर हो रहे हैं, आपका नॉलेज परफेक्ट होना चाहिए। नॉलेज बुक्स से आएगा, वो बुक्स जो 11th और 12th में एनसीईआरटी ने डिज़ाइन करके आपको दी है, स्टेट बोर्ड ने आपको डिज़ाइन करके दी है, उसमें वो सब चीज़ें हैं। होता क्या है, माँ बाप भावुक हो जाते हैं, इमोशनल रहते हैं अपने बच्चे के कैरियर के प्रति। 10th के बाद उन्हें लगता है कि अपने शहर से बाहर उन्हें भेज दें, छोटे शहर के बच्चे। मैं भी एक छोटे शहर में रहता हूँ, मैं छोटे शहर के मानसिकता समझता हूँ, पेरेंट्स की मानसिकता को समझता हूँ। पिता सोचता है, 10th इसने पास कर लिया है, मैं इसे नागपुर, भोपाल या इंदौर या किसी दिल्ली, बंबई, कहीं बड़ी जगह भेज दूं। 1 से 1.5 लाख रुपए वो सीए फाउंडेशन की कोचिंग के लिए खर्च करता है और कोचिंग क्लासेस उसे पैकेज देती हैं कि हम आपके बच्चे को 11th और 12th का पूरा सिलेबस कराएंगे, हम उन्हें पहले 11th और 12th की तैयारी कराएंगे, 12th में आपका बच्चा मेरिट में आएगा और उसके बाद फिर हम उसे आपको फाउंडेशन की पूरी जो चारों पेपर की है उसकी तैयारी कराएंगे, उसकी फीस वो फिर अलग लेते हैं, 11th और 12th के कोर्स की फीस अलग लेते हैं। लेकिन आपको ये रिलेशन समझना पड़ेगा कि 11th और 12th का जो सिलेबस है इसको किस तरीके से हम करें कि सेल्फ स्टडी से ही आप फाउंडेशन कोर्स पास कर सकते हैं। और जो आप अपने बच्चे को बाहर भेजते हैं अगले 3 साल के लिए, 2.5 से 3 साल के लिए सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए, साल का 1.5 लाख रुपए 1 साल का खर्चा उसके ऊपर होता है, 4 से 5 लाख रुपए उसे बाहर रखने के लिए आप खर्च करते हैं, एक गाड़ी उसे देते हैं, उसका लाइसेंस उसके पास नहीं रहता। बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं आपसे, मैं थ्योरिटिकल बात नहीं कर रहा हूं। वो 16 साल का नहीं हुआ है, 18 साल का नहीं हुआ है, आपने उसे गाड़ी भी लेके दे दी है, उसे कोचिंग क्लासेस जाना है, उस गाड़ी का वो मिसयूज कर रहा है बाहर रह करके कि पढ़ाई के लिए यूज कर रहा है, वो आपको नहीं मालूम। आपसे 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर दूर आपका बच्चा रहता है, साल के 1.5 से 2 लाख रुपए आप उसके ऊपर खर्च करते हैं,
ढाई साल वो आपके पास या आपके घर से अलग रहता है, कौन सी आदतें उसे लग रही है वो भी आपको पता नहीं है, और आप 5 से 6 लाख रुपए केवल सीए फाउंडेशन का कोर्स पास करने के लिए आप 10वीं से बाहर उसे भेज देते हैं। मैं आपको इस वीडियो में ये बताना चाहता हूं कि 400 में से 200 सवा 200 नंबर आप अपने घर में अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को रख करके उसे सीए फाउंडेशन पास करवा सकते हैं। आइए कैसे। एनसीईआरटी जो पहला पेपर है, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, ये 100 नंबर का पेपर है। अगर आप 11th और 12th में अकाउंटिंग की बुक देखेंगे और इस सिलेबस को देखेंगे तो इस सिलेबस के लगभग पूरे चैप्टर्स 11th और 12th में कवर होते हैं। सीए फाउंडेशन का कोर्स ही बोर्ड ऑफ स्टडीज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ऐसे डिजाइन किया है कि 11th और 12th बच्चा अगर सिंसियरली करेगा तो उसे कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसे एक एक लाइन पढ़ना पड़ेगा। बोर्ड ऑफ स्टडीज या स्टेट बोर्ड का जो बुक है, जो मटेरियल है, वो उसको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आपके पास इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास स्टडी मटेरियल आ जाता है बोर्ड ऑफ स्टडीज का, जिसमें आपको डिटेल में एक एक चीज दी रहती है। लेकिन अगर आपके बच्चे ने 11th और 12th में प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग एंड प्रैक्टिस अच्छे से किया है, बोर्ड ऑफ स्टडीज की मॉड्यूल अच्छे से की है, तो वो हर चीज कर सकता है उस एग्जामिनेशन में। दूसरा पेपर, बिजनेस लॉज एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, LLP एंड कंपनीज एक्ट, कुछ चैप्टर्स में उसे दिक्कत जाएगी। लेकिन आप जहां रहते हैं, क्या वहां पर कोई कंपनी सेक्रेटरी का स्टूडेंट है, कोई सीए का स्टूडेंट है जिससे सप्ताह में 2 घंटे या 4 घंटे का आप समय लेकर के पार्ट टाइम में वो अगर आपके बच्चे की ट्यूशन ले ले, तो जो सब्जेक्ट के लिए आप 25,000 से 40,000 रुपए फीस दे रहे हैं, उस सब्जेक्ट में आप 1,000 से 2,000 रुपए खर्च करके आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, LLP एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013 जो लेवल है वो आप अपने शहर में ही आप उसको अपने बच्चे को वो तालीम वो शिक्षा दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि सीए फाउंडेशन का जो लेवल है बहुत ही प्रिलिमिनरी लेवल है, उसमें केवल उसको बेसिक जानकारियां होना इस कानून के बारे में, 40 मार्क्स का इंग्लिश से संबंधित सेंटेंस, वोकैबुलरी, पैसेज, राइटिंग स्किल्स। कोई स्कूल की अगर टीचर है, किसी ने एमए इंग्लिश किया हुआ है, या कोई स्टूडेंट है एमए इंग्लिश का, वो घर आकर के आपके बच्चे को ट्यूशन देके जाएगा। 40 नंबर का ये पेपर, इसके लिए आप 12,000 से 15,000, 20,000 रुपए खर्च करते हैं। और वास्तव में अगर आपकी स्कूलिंग अच्छी है आपके बच्चे की, तो ये चीज स्कूल में पढ़ाई जा रही है, यही चीज पूछी जा रही है। और अगर आप अपने बच्चे को कोचिंग के लिए अपने घर से बाहर भेज देते हैं, 3 से 4 लाख 5 लाख आप खर्च करते हैं, और 11th 12th का सिलेबस के नाम से आपसे 1 से 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए 11वीं और 12वीं के सिलेबस के नाम से पैसा लिया जाता है, और यही चीज उसे बाद में फिर पढ़ाई जाती है, उसके लिए आपसे सीए फाउंडेशन के नाम से अलग से पैसा लिया जाता है। आप समझिए इस चीज को। मैं खुद एक सीए हूं, ये सब जानता हूं, इसीलिए मैं ये बात आपसे कह रहा हूं। तीसरा पेपर, बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। लॉजिकल रीजनिंग आप देखेंगे कि बैंकिंग, रेलवे, अन्य कई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, SSC, इसमें बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं या उसकी तैयारी करते हैं, हर शहर में छोटे से छोटा कस्बा भी अगर है तो वहां पर आपको बैंकिंग, रेलवे और SSC के स्टूडेंट्स तैयारी करते हुए मिल जाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग तैयार करने में ये बच्चे आपकी मदद कर सकते हैं। आज सोशल मीडिया का जमाना है, 20 नंबर की लॉजिकल रीजनिंग ऑनलाइन आपको बहुत सारे ऐसे मटेरियल मिल जाएंगे। प्रैक्टिस ही तो करना है लॉजिकल रीजनिंग की। मॉक टेस्ट अवेलेबल है, फ्री मॉक टेस्ट कोचिंग क्लासेस के अवेलेबल है। 40 नंबर का स्टैटिस्टिक्स और 40 नंबर का मैथमेटिक्स। आप जिस शहर में रहते हैं वहां पर कोई ना कोई कॉलेज होगा या PG कॉलेज होगा,
बीएससी और एमएससी करने वाले किसी बच्चे या बच्ची से आप बात करेंगे, आपको घर पे होम ट्यूटर मिल जाएगा इस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स को पढ़ाने के लिए। 2,000 से 3,000, 5,000 में आपका बच्चा मैथ्स और स्टैट्स तैयार कर लेगा। लेकिन सवाल ये है कि 10th के बाद अगले 2 साल की प्लानिंग आप कैसे करते हैं। चौथा सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड कमर्शियल नॉलेज। दो पार्ट हैं, इकोनॉमिक्स और कमर्शियल नॉलेज। व्यापार क्या होता है, व्यापार कैसे काम करता है, व्यापार कौन सा, व्यापार करने के लिए कौन कौन से कानून हमको जानना जरूरी है, ये व्यापार से संबंधित कोई एक पेपर है जिसमें 40 नंबर का सिलेबस है और इकोनॉमिक्स में 60 नंबर का सिलेबस है। अगर 11th और 12th आपका कॉमर्स है सब्जेक्ट, तो इकोनॉमिक्स आपको क्या लगता है, इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है, क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट में उससे कुछ अलग दिया रहेगा? नहीं। सवाल इस 60 नंबर की प्रिपरेशन का यह है कि आपने 11वीं और 12वीं की जो भी पढ़ाई की है, जिस भी चैप्टर की पढ़ाई की है, वो कैसे की है। मैं सबसे अंत में आपको ये बताना चाहूंगा कि इन चारों सब्जेक्ट्स में आपको कौन सा सब्जेक्ट कैसे तैयार करना है, उसका मटेरियल आपके 11th 12th की बुक्स में कितना है और कितना आपको बाहर से कलेक्ट करना है। बाहर से अगर आपको कलेक्ट करना है तो क्या कोई ऐसा एक्सपर्ट आपके जगह पे है, आपके शहर में है, जो आपको ये बता सके कि किस तरीके से ये कानून को पढ़ना है या किस तरीके से मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स की तैयारी करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको पढ़ा सकते हैं सीए फाउंडेशन का कोर्स, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आप अलग अलग लोगों को पकड़ सकते हैं। इस तरीके से आपको तैयारी करना पड़ेगा। आप अगर सीरियसली, मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूं कि जो भी, जब आप 10th के बाद 11th और 12th में आते हैं कॉमर्स की स्ट्रीम में और आपको ये तय किया हुआ है कि 12th के बाद आपको सीए फाउंडेशन करना है, तो आप सीए फाउंडेशन इंटरनेट से निकालिए, उसके चैप्टर्स निकालिए कौन कौन से हैं, ये देखिए कि आपका 11th और 12th में कौन से सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर कवर हो रहा है, उस पर आप निशान लगा के रखिए कौन सी चीज, कितना प्रतिशत कोर्स सिलेबस आपका 11th और 12th के सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं। अगर आपका वो निकल गया तो बचा हुआ 30 से 40% कोर्स जैसे मैथ्स है, स्टैटिस्टिक्स है, कमर्शियल नॉलेज है, ये सब चीज़ें हैं, कुछ करस्पॉन्डेंस रिलेटेड है, लॉजिकल रीजनिंग है, तो वो 40% कोर्स कौन सा है, उसके लिए आप अलग से 1-2 घंटे रोज पढ़ाई चालू कर दीजिए। और जो बचा हुआ 60% कोर्स है, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स आपके कवर हो रहे हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जब आप 12th की या 11th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसी समय कोई चैप्टर आपने किया, मान लीजिए आपने पार्टनरशिप एक्ट किया, मान लीजिए आपने इंसॉल्वेंसी का कोई एक चैप्टर किया, तो जब आप वो चैप्टर करते हैं तो 11th 12th के क्वेश्चन करने के साथ ही आप देखिए कि सीए फाउंडेशन में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर के, साथ ही साथ आप फाउंडेशन की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, देखिए आप कैसे पास नहीं होते हैं।